और इस वक्त हमारे साथ डाइस पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ डिजियाना न्यूज, और संजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच आ चुके हैं, युवा चेहरा, लोकप्रिय नेता। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, उचित शर्मा जी। आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। उचित शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको डाइस पर आमंत्रित करती हूँ। और कुछ ही क्षण में हमारे साथ राधिका जी भी मौजूद होंगी। बहुत बहुत स्वागत है उचित शर्मा जी, हमारे साथ इस वक्त आप मौजूद हैं। और सुश्री राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कुछ ही क्षण में हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी से गुजारिश करूंगी कि जनता के प्रश्न आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमें पूछें। और धन्यवाद प्रतीक श्रीवास्तव जी। धन्यवाद सुनीता, और आप सबका किसकागढ़ छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ संजय श्रीवास्तव मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उचित शर्मा जी आपके नेता हैं, मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने माइक उठा लें। कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री खेरा हमारे बीच में बहुत जल्दी आएंगी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। और जिस तरह से लगभग 2-2.5 घंटे से आप ये बहस देख रहे हैं, संजीदगी भरी बहस जिसमें कई बार विवाद, तनाव और आक्रोश की स्थितियां बनी, और जिस तरीके से सारे नेता एक तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत कांटों का है, बहुत जोरों का है। उचित जी थोड़ा नजदीक आइए, अभी उचित जी उचित स्थान पर बैठे हैं। मैं उचित स्थान पर हूं मगर सत्ता के करीब नहीं हूं, इसीलिए यहां बैठा हूं। तो सत्ता पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उचित जी, ये माना जाए कि आप सत्ता के करीब नहीं है तो वोट कटवा पार्टी हैं, कहा जा रहा है कि आप जो है वो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, सत्ता के करीब नहीं आना है, सिर्फ वोट काटना है। नहीं, सत्ता के करीब से मेरा मतलब है कि सत्ता वाले मेरे साथ बैठे, उनके करीब मैं नहीं हूं, ना सत्ता के करीब हूं ना सत्ताधारियों के करीब। कितनी गंभीरता से आप पार्टी चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, या सिर्फ वोट काटने के लिए हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस 6 महीने के दौरान हमारे लगभग 30 विधायक, 4 सांसद, 2 मंत्री, खुद अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी के दौरे हो चुके हैं। सभी पिछले 6 माह से हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि किस गंभीरता से लड़ रहे हैं या वोट कटवा पार्टी। देखिए, वोट कटवा पार्टी के लिए आपको उस फिगर को समझना पड़ेगा कि जो आज जो डिजिटल जो चीजें बोलती है कि 5-6% अगर आपको मिलता है तो आप वोट कटवा पार्टी में काउंट किए जाते हैं। हम वोट कटवा पार्टी में नहीं, निश्चित तौर पर 90 सीटों में बहुत अच्छा हम जीत तय करके लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, और बड़ी दमदारी और अपने संगठन के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और परिवर्तन की लहर पे हम अपनी। संजय, आप इनको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कहीं भी मुकाबले में है? देखिए, सबसे पहले डिजियाना ग्रुप को इस बहुत ही शानदार आयोजन के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समसामयिक विषयों पर देश और प्रदेश की राजनीति में सवाल जो आप सब लोग पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश हम सब लोग करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे श्रोतागण भी बैठे हैं, उनके भी सवाल समाहित हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले इस विधानसभा चुनाव 2018 के परिप्रेक्ष्य में जो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी की पार्टी की बातचीत जो आपने की और जो आपने कहा कि इनकी स्थिति क्या है, मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब दिल्ली में जो चीजें आई थी 2014 में कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि देश की राजनीति में 70-72 वर्षों के अंदर में कुछ दौर ऐसे आए जब कुछ दलों के प्रति, कुछ व्यक्तियों के प्रति, जब कांग्रेस से भी तोड़फोड़ कर जो नए नेता बने, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें, लोगों का एक नया विश्वास बनता था कि हाँ एक नई सुबह आएगी, नए तरीके से काम। लेकिन मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति में तो कहने लायक ही नहीं अभी, लेकिन हाँ दिल्ली की जनता ने इन्हें पसंद किया। लेकिन कुछ ही वर्षों में जिस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आम आदमी पार्टी ने राजनीति को लिया कि राजनीति में हम बहुत तेजी से सत्ता में आएंगे और हम सब कुछ बदल देंगे, वर्षों वर्ष से जो पुरानी पार्टियां चली हैं क्या स्थिति है, ये सब कुछ छुपा हुआ मामला नहीं है। आज दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति से किसा छुपा हुआ मामला नहीं है। लोकतंत्र एक पर्व है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी यहां पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थिति
दिल्ली और पंजाब से जो मैसेज, जो संदेश आम आदमी पार्टी का गया है कि इनकी क्या स्थिति है और इनकी क्या राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को कभी कहीं भी गंभीरता से नहीं ले रही है। तो मैं आपके सवाल पर मैं कह सकता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कम से कम इस चुनाव के अंदर में आम आदमी की पार्टी की स्थिति, आप तो कहते हैं कि वोट काठवा पार्टी आपने कहा है, मुझे लगता है कि शायद वो स्थिति भी आज आम आदमी पार्टी की यहां पर नहीं बनी है। संजय, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यहां दो पार्टियां हैं जिसको तीसरी शक्ति कह सकते हैं, एक जोगी बसपा का गठबंधन है और एक आप पार्टी है, इन दोनों में से किसको आप ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी पैदा कर रही है, आप या जोगी और बसपा का? देखिए, विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो दो दलीय आधार पर यहां पर चुनाव हुए, पिछले तीन चुनाव भी हुए हैं और इस चुनाव में भी हम कह सकते हैं कि जो मेन जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। तीसरी पार्टी के रूप में जिस जोगी कांग्रेस पार्टी की बातचीत हो रही है, जोगी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन किया है। थोड़ी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जोगी जी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है कि एक लीडर के रूप में AICC ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें इस प्रदेश के पहली जब सरकार बनी तो सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर स्थापित किया। तीन वर्ष का कार्यकाल क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन आज कांग्रेस का विभाजन हुआ है और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, उनके नेतृत्व में एक नए दल का गठन हुआ है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है। तो मैं ये कहूं कि एक गंभीर राजनीतिक दल के गंभीर कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को मैं एकदम नहीं नकार सकता कि किन्हीं कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बनी हुई है। यह अलग बात है कि लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आरोप लगाएगी कि उनको गंभीरता करके हम राजनीतिक लाभ, ये बात का विषय है, लेकिन आज यदि तीसरी पार्टी के रूप में छोटी मोटी यदि उपस्थिति कहीं उपलब्ध दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि वो जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की। उचित जी, दिल्ली में जिस तरह की एनार्की, अराजकता फैली हुई है, राज्यपाल से आपकी बनती नहीं, मुख्य सचिव को आपकी पार्टी के लोग, विधायक मुख्यमंत्री के सामने मारते हैं, पीटते हैं, FIR दर्ज होती है, कोर्ट में मामला जाता है, जगह जगह आप मुख्यमंत्री भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में धरने पर बैठ जाता है, ये अराजकता, ये एनार्की क्या छत्तीसगढ़ में भी आएगी? ना तो वहां अराजकता है और ना यहाँ रहेगी। आप सबसे पहले देखिए कि जनता से चुने हुए लोगों को जब उनके अधिकार नहीं दिए जाते, जब उनके कार्य में दखल दी जाती है, तो जो अगर आदमी घर पर तो आप मारने लग जाएंगे। नहीं, हम चीफ सेक्रेटरी को मारेंगे? नहीं, ये निर्णय आपने कैसे ले लिया जनाब? चीफ सेक्रेटरी को हमने मारे, FIR दर्ज हुई है, तो सीसीटीवी के आरोप तो है ना चीफ सेक्रेटरी को मारने का? आप आरोप सीसीटीवी के कैमरे के रिकॉर्डिंग है, इनका दरबार इनका, सरदार इनका, ये तो झूठ को भी सच कह दे, सब कुछ इनका है, आप किस पे बिलीव कर रहे हैं? ये तो किस तो सीसीटीवी के कैमरे मुख्यमंत्री को दिखाइए ना, वो खराब क्यों हो गए? वो खराब क्यों हो गए? पूरे सारे हॉल के सारे जगह कैमरे चलते हैं, जनता के सामने तो उसी कमरे का कैमरा क्यों खराब होता है? वो दिखाइए तो सही, यही तो शंका का कारण है, वही तो कह रहे हैं, उसी कमरे का कैमरा क्यों खराब होता है? यहाँ आप थोड़े से बायस है, स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ आप थोड़े से बायस है, आप ऐसा लग रहा है कि इन चीजों को कि भाई हम तो करेंगे ना, विरोध तो करेंगे, अगर हमें अपने समर्थन नहीं देंगे, हम जनता से चुन के यहाँ आए हैं, उसके बाद भी हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। देखिए, जो अधिकार मदन लाल खुराना जी के पास थे, जो अधिकार सुषमा स्वराज जी के पास थे, जो अधिकार शीला दीक्षित के पास थे, वो हमें क्यों नहीं दिए गए, या हमसे जानबूझ के क्यों ले लिए जाते हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में अगर यह है, वो समन्वय बनाते थे, नहीं जांच एजेंसी, आप लड़ते हो, देखिए वो समन्वय बनाते थे, आप विवाद करते हो, डरे हुए क्यों? और दूसरा आप कह रहे हैं कि राज्यपाल संवाद करते थे, आप विवाद करते, क्या ये सवाल आप उनसे करेंगे कि राज्यपाल क्यों आप उनको काम करने नहीं दे रहे? क्या ये सवाल आप इनसे करेंगे? नहीं, आपकी नजीब ढंग से नहीं बनती, आपकी दूसरा गवर्नर आता उससे भी नहीं बनती। जो अधिकार अरविंद केजरीवाल के पहले तीन मुख्यमंत्रियों के थे, वो अधिकार क्या आपने अरविंद केजरीवाल को दिए? क्या आप बायस नहीं है? क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बायस नहीं है? क्या दीपेंद्र मिश्रा बायस नहीं है? क्या PMO बायस नहीं है? आप बताइए, उस चीज का भी जवाब दीजिए ना। आपने मदन लाल खुराना से लेकर शीला दीक्षित तक के नाम गिना है जी, वो सामंजस्य बनाते थे, संवाद करते थे, सामंजस्य, वो सबकी साठगांठ थी हमारी नहीं है, वो सबकी साठगांठ थी हमारी नहीं है, हमें तो, पर आप गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। गुड गवर्नेंस किसको? हम ये गुड गवर्नेंस है कि 240 करोड़ के पुल 162 करोड़ में कंप्लीट हो रहे हैं, क्या गुड गवर्नेंस? विदेशों से लोग देखने आ रहे हैं गुड गवर्नेंस, इसको आप गुड गवर्नेंस नहीं बोलते? अच्छी शिक्षा को देखने आ रहे हैं उसको आप गुड गवर्नेंस नहीं बोलते? हॉस्पिटल जो है तैयार हो रहा है उसको आप गुड गवर्नेंस बोलते? तो गुड गवर्नेंस की परिभाषा क्या है? यही गवर्नमेंट की परिभाषा है? गुड गवर्नेंस का अवार्ड तो छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है, और एक हमारे साहब भी बैठे, इन्होंने भी गुड गवर्नेंस के यहाँ पे अवार्ड पाए हैं। इनकी संस्था ही खुद ऐसी संस्था है जो खुद NPA में आती है। ये अवार्ड है यहाँ पे, आप किसी कर्मण पुरस्कार, बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड,
तमाम अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए, सभी डिफॉल्ट कंपनियों के अवार्ड मिलते हैं। तो आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष से करें तो मैं कर लेता हूं। संजय जी, राहुल गांधी खरगोन में भाषण दे रहे थे इंदौर के पास, और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिवराज सिंह के बेटे का नाम पनामा में है। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन शिवराज के बेटे ने तत्काल कार्तिकेय ने नोटिस भेज दिया, मानहानि का एक बात दायर करा उन्होंने कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह के बेटे का नाम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा में है। आज तक कोई प्रतिक्रिया रमन सिंह जी या उनके बेटे की तरफ से नहीं आई, तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं दाल काली है, कहीं ना कहीं जो धुआं उठ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आग है, इसलिए धुआं उठ रहा है? देखिए, यदि कोई निरर्थक सवाल हो और यदि कोई इस तरह के प्रश्न हो, पहले तो जो राहुल गांधी जी ने क्या कहा उस पर मैं जाना नहीं चाहता। देश और दुनिया की जनता ने बहुत करीब से देखा है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, नहीं तो इस पर सवाल जवाब होता। लेकिन इस मामले को आपने कहा कि पनामा पेपर के मामले को, आपको याद रहेगा कि सुप्रीम की एक अपील लगी थी सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय को लेकर, वो खारिज हुई है। इसके खिलाफ में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी तो वो खारिज हुई है, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर, वो वक्तव्य में आपको बता दूंगा, स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं भी इस पनामा पेपर मामले में अभिषेक सिंह का नाम उसमें शामिल नहीं है। यह अधिकृत वक्तव्य, यह अधिकृत वक्तव्य, यह अधिकृत वक्तव्य जी। अमित शाह का सर्टिफिकेट कैसे मान लोगे आप? नहीं, निश्चित रूप से तो कौन कहेगा? देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, अमित शाह जी नहीं कहेंगे, पार्टी के बतौर आपने पूछा कि अभिषेक सिंह, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अभिषेक सिंह जी ने भी कहा है। नहीं सुनिए, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले समाचार पत्रों में, ठीक है आपने मुझे याद दिलाया, अभिषेक सिंह जी का भी बयान है कि इसमें कहीं किसी प्रकार का नाम नहीं है। यदि हम पार्टी के नेता, देखिए ये इसलिए, सुनिए एक सेकंड पूरा करूंगा, एक सेकंड पूरा करूंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड समय दीजिए। सत्ता पक्ष का आदमी तो मुझसे सवाल कर रहा है तो जवाब ले लीजिए कि एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, जब उनके कोई कार्यकर्ता, किसी मंत्री या किसी विधायक के ऊपर में कोई चीज, इस तरह की चीजें आती हैं, तो उस पर निश्चित रूप से संज्ञान में पार्टी भी लेती है। ये पार्टी की हमारी विश्वसनीयता, ये पार्टी का हमारे काम करने का तरीका है। व्यक्ति कुछ भी करे ऐसा नहीं है, जो कि दूसरी पार्टियों के अंदर में हो रहा है, उसको संज्ञान में लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसकी जानकारी ली है, कहीं इस प्रकार का कोई मामला नहीं। अभिषेक सिंह जी ने भी इस बात को यहां पर कहा है कि किसी भी प्रकार का उसमें कहीं कोई मामला नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आपके मुख्यमंत्री पर उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है, आपने उन्हें डिफेमेशन शूट क्यों नहीं किया, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं लगाया जैसा कि मध्य प्रदेश में लगाया गया? देखिए, मध्य प्रदेश का मामला दूसरा है। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पनामा पेपर का जो मामला है उसमें शिवराज सिंह, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं राजधानी के अंदर में, कहीं राजनीति में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हर एक चीज का हम डिफॉर्मेशन करें, हम मानहानि लगाएं, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है ये किसी के कहने से। दूसरा विषय ये कि जो राहुल गांधी जी का आपने कह रहा है वो उनकी गलती, जो हमेशा वो करते हैं, पहली बार नहीं है, अनेकों बार है, तो कई बार हम उनको भी माफ कर देते हैं, तो ये तो हर वक्तव्य में कहीं ना कहीं कोई गलती करते हैं। यहां पर आते हैं तो जिस मोबाइल को हम बांटते हैं उसको BSNL की जगह वो भेल का मोबाइल कहते हैं, तो एक मनोरंजन हमेशा होता रहता है। यदि उन पर आरोप, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उनके दिमाग में आया होगा कि डॉक्टर रमन सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर में है, लेकिन वो कह जाते हैं कि शिवराज सिंह जी के बेटे का नाम है, ये विषय था इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे ने मानहानि का विषय था। लेकिन हम पर यदि कोई गलत आरोप लगाता, तमाम प्रकार के आरोप लगते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को जाकर मानहानि का आरोप लगा या मानहानि हम करें डिफॉर्मेशन का केस। आपकी बात पर उचित मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहा हूं कि जैसे देखिए पनामा वाले मैटर में शिवराज जी ने डिफॉर्मेशन का केस किया है, अगर यही राहुल जी व्यापम वाला केस बोलते तो शायद रमन सिंह जी उस पर डिफॉर्मेशन का केस करते, क्योंकि इनमें नैतिक बल वो नहीं है उतना, डॉक्टर रमन सिंह में उतना नैतिक बल नहीं है कि वो उन पर डिफॉर्मेशन का केस करें, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ द कल्प्रिट, ही इज अ कल्प्रिट, और वो उनमें उनका नाम है, इसीलिए उनमें नैतिक बल नहीं है कि मैं डिफॉर्मेशन का केस करूं। सेम चीज अगर व्यापम में अगर राहुल जी, नहीं ये मैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आपसे आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से, सवाल ही हमारा ये है कि किसका गढ़ छत्तीसगढ़। तो संजय, अब ये मनोरंजन का सवाल कर रहे हैं, ये करते तो वो नहीं करते, वो करते तो ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन जो लोग अपने ही स्टेट को, अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाने का प्रयास करें, कहीं कोई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन 4 साल पहले जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया था,
उसका नगर निगम या नगरीय निकाय चुनाव में या पंजाब में आप जो कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहां पर आपकी विश्वसनीयता कितनी रही, शायद इस बात को भी संज्ञान। केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, इस देश के अंदर में राजनीति है, राजनीति के अंदर में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आज का नहीं है। 1947 में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उस समय से लेकर आज 2018 तक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर आपने 4.5 वर्ष खराब किए लोगों के, दिल्ली की जनता की है। आपने काम क्या किया है, और शायद इसीलिए सुन लीजिए आज मोदी जी यहां पर बैठे, तमाम लोग बैठे हैं, शुरू के 2 साल केवल मोदी जी करते थे केजरीवाल, आखिर आज कारण क्या है कि 2 साल के बाद मोदी जी का ऊपर आरोप लगाना बंद हो गया केजरीवाल जी को? शायद उनको इस बात का एहसास हो गया कि मैं केवल आरोप लगाकर लोगों को, मिथ्या आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लोगों ने चुनाव, जो नगरीय निकाय के चुनाव थे, जो पंजाब के चुनाव थे, उन्हें आपकी आंखें खोली कि केवल आप झूठ बोलकर एक बार आप सरकार बना सकते हो, आप 10 बार सरकार नहीं बना सकते। ये आज आम आदमी पार्टी की स्थिति है। संजय, आप केजरीवाल जी की बात छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में कहता है कि रमन सिंह की सरकार जो है वो अफसरों की सरकार है, यहाँ अफसर शाही बहुत हावी है और अफसर कुछ भी रिपोर्ट बनाकर मैनेज करके पुरस्कार ले रहे हैं, और अफसर जो है अफसर शाही का दुरुपयोग हो रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। ये कितना सही, ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। देखिए, सरकार है और सरकार के बारे में तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, विपक्ष भी लगाते हैं, कभी कभी हमारे लोग भी कहते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक सरकार को चलाने में जो नीतिगत फैसले होते हैं वो हमारी कैबिनेट करती है, हमारे जो मंत्रिमंडल है वो करता है। इन सब चीजों को क्रियान्वयन यदि कोई करता है तो हमारा प्रशासनिक अमला करता है, क्रियान्वयन करता है। क्या आप ये मानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप को लगते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं? ये 4 साल हैं तब आरोप लगा रहे हैं, हम 38 सालों से काम कर रहे हैं, हम पर आरोप लगते हैं, ये 4 साल में आरोपी बन गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जब इस तरह की सरकारें बनती हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर में आज 18 वर्ष इसकी उम्र है, तीनों बार, तीन चुनाव यहां पर विधानसभा के होते हैं, 3 लोकसभा के चुनाव होते हैं, और तीनों चुनाव के अंदर में जनता हमको आशीर्वाद देती है और हमारी सरकार बनती है और लोकसभा के अंदर में हम 11 में 10 सीटें प्राप्त करते हैं, क्या ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है? क्योंकि किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की जो असली परीक्षा होती है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उसकी परीक्षा मुझे लगता है इस राजनीतिक चुनाव में, इस 5 सालों के अंदर में ही होता है कि आपने कितना बेहतर काम किया या आपने गलत किया। यदि बेहतर करेंगे तो उसको जनता आशीर्वाद देगी, और यदि गलत करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उचित जी, आपको लग रहा है कि, आपने कहा बहुत गंभीरता से, हमारे इतने दूर हो गए, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हमारे मैदान में है, क्या आपको लगता है कि कितनी सीटें और कितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिलेगा? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम निश्चित तौर पर यहाँ सरकार बना रहे हैं, हम निश्चित तौर पर जितनी सरकार बनाने के लिए हमें सीटें चाहिए उतनी सीटें हमारी आएंगी, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा था। इनका नारा है आपकी बार 65 पार, आपका क्या है? सॉरी, इनका नारा है आपकी बार 65 पार, और एक और नारा है फिर इस बार भाजपा सरकार। 2600 में धान ले वो, हर लड़का ला काम दे वो, इस नारे के साथ, इस सिद्धांत के साथ, इस उद्देश्य के साथ और इस बल के साथ हम गांव में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमें अच्छी सफलता मिलेगी और हम मेहनत कर रहे हैं। आप आंकड़ा देने से बच रहे हैं। नहीं भाई, जितनी हम आंकड़ा मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े उतने हम लेके आ रहे हैं, आंकड़े हम बोल रहे हैं, ये तो आंकड़ा दिया मैंने आपको स्पष्ट तौर पे। चलिए, अगर ऐसी स्थिति बनी, आप ये मत कहिएगा ये काल्पनिक सवाल है, राजनीति में काल्पनिकता करनी पड़ती है। जी जी, तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको भी बहुमत नहीं मिला, इनको भी बहुमत नहीं मिला, एक हंग सरकार आई, तो आप किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, जोगी जी के साथ जाएंगे? ये बातें अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली हम जहां से चुन के आए हैं हम जनता से रायशुमारी करेंगे, जनता से जानेंगे, अपने अपने जो क्षेत्र से हम रायशुमारी करके जो जनता की राय होगी वो ऐसा हम काम करेंगे। संजय, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये चर्चा है बार बार की, इतना टफ मुकाबला है, और जो आपके पास 15 साल का जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके चलते इस बार आपको बहुमत अगर नहीं मिला तो एक गोपनीय दोस्त तो है ही आपके अजीत जोगी, क्या इनसे भी आप सहयोग लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में हम सामने लेते हैं। हमारी सरकार बनती है, सरकार के दूसरे दिन से हम अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, और ये आपने देखा, ये चर्चाओं में भी आता है, समाचार पत्रों में भी आता है, लोग कटाक्ष करते हैं कि मोदी जी हर भाषण के अंदर में अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत क्या है? जो लोग बगैर तैयारी के आते हैं उनका हश्र क्या होता है, ये आपने देखा है। तो मुझे लगता है कि
पिछली बार 2003-8-13 के अंदर में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, लगभग 50-49 सीट हम प्राप्त करके हमने सरकार बनाई है। लेकिन इस बार आपने भी सुना है कि हमने, जैसा कि आपने नारा भी कहा, इस बार 65 पार हमने मिशन 65 को तय किया है। पिछली बार चुनाव के अंदर में हम यहां पर अकेले सरकार थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन इस बार 4-4.5 वर्षों में लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, बेहतर काम हुए हैं। यहां डॉक्टर अमन सिंह की सरकार, वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन दोनों सरकारों को जो बेहतर कार्य हैं, इसलिए इन बेहतर कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता की आशीर्वाद के आधार पर हम इस बार आप ये देखेंगे कि 65 सीटों को निश्चित तौर पर पार करेंगे। ये केवल जुमला नहीं है, ये हमारा विश्वास और आप देखेंगे। और जहां तक आपने जो दूसरा सवाल किया, क्या किया आपने दूसरा, कि अगर नहीं देखिए, गठबंधन की स्थिति तो बन नहीं रही है, गठबंधन की स्थिति कहीं नहीं बनेगी, बहुत क्लियर मेजोरिटी। बल्कि इस बार का जो चौथा चुनाव है यह हमारे लिए आसान चुनाव है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या आप देखिए, जरा गौर करिएगा, मेरे मुझे आरोप नहीं लगाना, कोई सामान्य रूप से भाषण नहीं दे रहा हूं कि मैं इतनी सीटें प्राप्त कर लूंगा। आज कांग्रेस देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद नहीं है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही उनका सवाल का जवाब दे देता हूं, क्योंकि उस बात को समझते हैं उस बात को। क्योंकि देखिए, आज जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तमाम प्रकार के किन चीजों का सहारा आज कांग्रेस ले रही है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रही है, जहां पर जिस प्रदेश के अंदर में चुनाव में ठीक है, कोई सरकारी मंत्री को जीतता हारता कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार और बता दूं कि आपने जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की, जिसका मैं पूछ रहा था कि आपने क्या सवाल किया, देखिए इस देश की राजनीति में पिछले 15-20 वर्षों में हमने इस राजनीति का ट्रेंड बदला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ट्रेंड बदला है। यह बात सत्य है कि इस देश के अंदर में जो भारतीय राजनीति में सामान्य तौर पर जो भारतीय मतदाता होता है उसके दिमाग में रहती सरकार के प्रति का आक्रोश रहता है। एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, 10-15 साल 20 सालों पहले होता था, लेकिन इस राजनीति के ट्रेंड को यदि किसी ने बदला है तो बीजेपी ने बदला है। और शायद यही कारण है कि गुजरात में हम 6-6 बार सरकार बनाते हैं। तमाम प्रकार के आरोप हमारे पर 2017 के चुनाव में लगे थे, जब वहां पर 6-6 फैक्टर हमारे खिलाफ में काम कर रहे थे। लोग कहते थे जीएसटी है, लोग कहते थे कि नोटबंदी है, दलित आंदोलन है, पाटीदार आंदोलन है, तमाम प्रकार के विषयों के बाद भी हम 6वीं बार सरकार बनाते हैं गुजरात के अंदर में। हम मध्य प्रदेश में 3री बार सरकार बनाते हैं, हम छत्तीसगढ़ में 3री बार सरकार बनाते हैं। इस परिस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी? और मैं कह सकता हूं कि जो स्थिति आज कांग्रेस के और अन्य दलों की है, ये कांग्रेस कमजोरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी विश्वसनीयता है कि हमने बेहतर काम किया है। और एक और मैं बता दूं कि सरकार चलाने का जो ट्रेंड, हमने कहा कि पहले जब ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, विकल्प नहीं होते थे, आज से 25 साल पहले केवल कांग्रेस दिखाई देती थी, या कांग्रेस का कोई टूट होता था, कोई दूसरा दल विश्वनाथ प्रताप सिंह या कोई बन जाते थे, गठबंधन बन जाते थे, उस समय विकल्प नहीं था। लेकिन आज देश के अंदर में हमने मेहनत करके विकल्प खड़ा किया है कि हां, यदि कांग्रेस गलती करती है तो हम उसके एक बेहतर विकल्प के रूप में हम काम कर सकते हैं। और मैं जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको हाथों हाथ लिया, और आज उस विकल्प के आधार पर बीजेपी ने प्रदेशों के अंदर में, देशों के अंदर में हमने विकास के काम को किया। क्या सड़क होता है, क्या पानी, क्या बिजली, क्या किसानों के लिए काम, तमाम प्रकार के विषयों को हमने किया है, उस आधार पर जनता हमको आशीर्वाद देती है। और ये एंटी इनकम्बेंसी का मामला लगभग समाप्त है। जो सरकारें, किसी भी दल की सरकारें, यदि बेहतर काम करेगी वो रिपीट होकर आएंगी। मैं अगर आपसे नक्सलवाद की बात नहीं करूं तो ये शो अधूरा रहेगा। आप बार बार घड़ी देख रहे हैं संजय, थोड़ा सा मैं और चाहूंगा मैं आपका। ये नक्सलवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के क्या विचार है, मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के नक्सलवाद को लेके ये है कि पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी या मेरी पार्टी किसी नक्सलवाद का समर्थन में नहीं करती कभी। हाँ, ये बात भी सच है कि हमारी पार्टी ये समझती है कि ये नक्सलवाद संवाद करके ही खत्म हो सकता है, ये एक बड़ी चीज है। नक्सलवाद विकास करके ही खत्म हो सकता है, नक्सलवाद शिक्षा देके ही खत्म हो सकता है, नक्सलवाद रोजगार देके खत्म हो सकता है, नक्सलवाद अगर किसी औद्योगिक विकास अगर हम करें तो विकास की बात करें और विकास करके नक्सलवाद खत्म होगा। ये चीजें आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी मतलब आप नक्सलवाद के खिलाफ, कोई गोली चलाने के खिलाफ है, नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं होना चाहिए, नक्सलवादी भले ही लोगों को मारते रहे। हमने 15 साल में सबने देख के करके देख लिया है, चाहे 3 साल अजीत जोगी सरकार। मैं बहुत सीधा बता रहा हूं, नक्सलियों पर गोली चलाने के आप खिलाफ है? नहीं, हम तो संवाद करके ही नक्सलवाद खत्म करने की चेष्टा के प्रयास में हैं। नक्सलियों के ऊपर कोई पुलिस या आर्म फोर्स की एक्शन नहीं होना। ये समस्या आज की केवल छत्तीसगढ़ की अकेले की समस्या नहीं है, ये केंद्र की समस्या बन चुकी है। अगर हमारी सरकार सर मेरा पॉइंट बहुत सीधा सा है, नक्सलियों पर गोली चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं इस चीज, क्योंकि अगर जरूरी हुआ तो हम जवान को उनकी गन भी उठाने के लिए वो तैयार रहे अगर ऐसी चीजें होती हैं तो। लेकिन अगर इस समस्या के आप समाधान करना चाहते हैं तो वो केवल संवाद से खत्म हो सकती है, ये मेरी स्पष्ट पार्टी आइटलाइन का कहना है कि स्पष्ट
साफ तौर पे आम आदमी पार्टी समझती है और कहती है कि अगर इस खत्म होगा अगर नक्सलवाद या माओवाद तो केवल संवाद करके खत्म होगा, अदरवाइज आप देखिए कि दोनों ही हमारे 1785 के आसपास जवान शहीद हुए हैं और उसी 1700-1800 के आसपास नक्सलाइट भी मारे गए हैं। ये फिगर दोनों को नुकसान तो दोनों को हो रहा है, तो क्यों ना एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्यों ना ऐसा संवाद करके इस समस्या को सॉल्व किया जाए। रमन सरकार संवाद नहीं करती नक्सलियों से। देखिए नक्सली समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और नक्सलवाद को कोई समर्थन नहीं करता, ये मैं मानता हूं, दूसरे राजनीतिक दल के रूप में भी मैं इस बात को कहता हूं कि वो भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस समस्या को किसी राज्य सरकार से घेर कर उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मुझे लगता है कि इस देश के अंदर से ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती जब तक हम सब मिलकर आप उनसे संवाद नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए सामान्य तौर पर यह होता है किसी भी व्यक्ति से पहली हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारी सरकारों की परंपरा है कि पहले बातचीत यदि उनको मुख्यधारा में लाए, कोई यदि मुख्यधारा से हटकर यदि गलत रास्ते पर चला गया तो एक हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि हम उससे बातचीत करके उसको संवाद के रास्ते पर हम यहां पर लेकर आए। लेकिन मुझे लगता है कि 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, नफा हो या नुकसान, हमने कभी इसकी राजनीतिक यह नहीं देखी कि हमको इसका क्या फायदा होगा। पहले दिन से 2003 से बड़ी ईमानदारी के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का प्रतिक्रिया नक्सल से हो रही है, खासकर मैं उल्लेख करना चाहूंगा अभी चुनाव का समय चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले जब 12 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना था, जब नक्सलियों ने पर्चे फेंके, तमाम प्रकार के पर्चे फेंके कि यदि कोई मतदान करता है तो उसके हम हाथ पैर काट देंगे, उस समय मुझे याद आता है कि जब नक्सली घटना होती तो वो तमाम विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो तथाकथित मानव अधिकार के लोग हों, जो आकर सरकार को घेरते हैं कि बेगुनाह लोग मारे गए, उनकी आंखें खुलना चाहिए जिनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब एक बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है बातचीत की, धीरे धीरे गति की, अब इन पर कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया कर एक वार करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है जो संवाद से बातचीत, जो बातचीत के माध्यम से नहीं आते उन पर सीधे अटैक करने की आवश्यकता है। नक्सलवाद का समर्थन इस देश का कोई भी नागरिक नहीं करता, इस प्रदेश का कोई नागरिक नहीं करता, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ हमारी बहुत स्पष्ट लड़ाई है। यदि आप सीधे तौर पर चले तो ठीक है, नेता नक्सलवाद को समाप्त करेंगे चाहे उसके लिए गोली बारूद का भी उपयोग करना पड़े या ना पड़े। बहुत धन्यवाद संजय श्रीवास्तव आपका, बहुत धन्यवाद जी, आप डिजाना समूह के इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। डिजाना समूह लगातार ये कोशिश करता है कि बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए हम जो राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढ सकें, उनकी कोशिश कर सकें, और इसी सिलसिले में हमने आज आप दोनों से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम जारी रहेगा कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मुद्दों पर डिजाना समूह में इस विषय पर किसका गढ़ छत्तीसगढ़ बहस जारी रहेगी। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए एक अंतराल और उसके बाद बहस एक नए मेहमानों के साथ नए मुद्दों पर। धन्यवाद। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही हमारे साथ जुड़े उचित शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, और मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी से कि एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे दोनों ही मेहमानों को सम्मानित करें, और साथ ही मैं डाइस में उपस्थित मेहमानों के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, ग्रुप एडिटर डिजवाना समूह, आप स्वागत करें। तो किसका गढ़ छत्तीसगढ़, यही सवाल